बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, हाई लेवल के मीटिंग के बाद लिया गया बड़ा फैसला। अब नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। बिहार के सभी दुकानें जो हैं आज से 4 बजे के बाद 4 बजे से बंद हो जाएगी। बिहार में लॉकडाउन नहीं लग पाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को वेतन शीघ्र खाते में चले जाएंगे, आवंटन जारी कर दिया गया है। वो वैक्सीन 617 रुपये से लड़ सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने टीके के दाम घटाए। राज्य में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही अब खुलेगी दुकानें। पटना में झोपड़ी में आग लगने से जिंदा जल गए 4 मासूम। राज्य में रिकॉर्ड, देखिए राज्य में फिजते दिन एक रिकॉर्ड बना, 12,000 से पार कर रहे थे लेकिन अब 13,000 से पार संक्रमितों की संख्या हो गई है। राज्य में रिकॉर्ड 13,374 नए संक्रमित मरीज मिले। उद्योग निदेशक पंकज कुमार सिंह का हुआ निधन। सीएम मरमाहा तुरंत मुआवजा देने का मांग किए हैं। पटना के झोपड़ी में लगी आग को लेकर चिंता जताई है मुख्यमंत्री ने। राज्य के कई जिलों में लगे भूकंप के झटके, बीते दिन बिहार में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। शहाबुद्दीन के इलाज की निगरानी करे सरकार। 1 मई से 18 के ऊपर युवाओं को टीकाकरण पर ग्रहण। कोरोना से प्रभावित बड़े राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में टीके की कमी के कारण फिलहाल टीकाकरण टला। यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में लॉकडाउन अब फिलहाल नहीं लगेगा। ऑक्सीजन के संकट से उबरने को बनेगी नीति। वेबसाइट से अस्पतालों में बेड की जानकारी ले सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय में 9वीं में दाखिले को लिखित परीक्षा नहीं। डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 10 से 13 मई तक। देखिए बड़ी खबर है, डॉक्टरों की पैरामेडिकल स्टाफ के लिए साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू दीजिए और नौकरी पाइए। यह कार्यक्रम 10 तारीख से लेकर 13 मई तक किया जाएगा। साक्षात्कार दीजिए और नौकरी पाइए। आम लोगों को कोरोना संक्रमितों की संख्या बताई जाएगी। रात में सुबह 6 बजे से अपराह्न 4 बजे तक ही अब दुकानें खुल पाएगी। मजदूरी मद में 569.70 करोड़ जारी किया गया है। परमिट लेने वालों को की संख्या बताई। पुलिसकर्मी का भी हो 50 लाख रुपये का बीमा। कोरोना संक्रमितों को मदद को खदड़े हुए बिहार के पॉलिटेक्निक विद्यार्थी। 2 सप्ताह में पटना के 11 बैंकरों की कोरोना से मौत है। इधर केंद्रीय विद्यालय में 9वीं की दाखिला को लेकर दाखिला शुरू कर दिया गया, लिखित परीक्षा नहीं होंगे। मौत के बाद नहीं मिल रही है सहायता राशि। बच्चों की मौत से राज्यपाल दुखी। तारकिशोर ने पुनपुन की घटना पर दुख जताया। नमस्कार, और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, यानी कि क्या आपको जानना जरूरी है। देखिए बिहार के लेकर एक सबसे बड़ी खबर इस समय की है कि आज से दुकान खुलने और बंद होने की अब समय सारणी चेंज हो गई है। लेकिन बिहार में फिलहाल लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाई लेवल की बैठक के बाद यह मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है और कहा है कि नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया जाएगा। आज से यह नियम लागू हो जाएगा। 15 मई तक लागू रहेंगे, यानी कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पहले 9 बजे से लागू था लेकिन अब 6 बजे, शाम 6 बजे से ही नाइट कर्फ्यू लग जाएगी। और आज से सभी दुकानें जो हैं 4 बजे के बाद बंद हो जाएगी। 4 बजे से बंद हो जाएगी, यानी कि सुबह से जो दुकानें खुलेगी 4 बजे बंद हो जाएगी, जो कि 6 बजे बंद हुआ करती थी, यानी कि तमाम चीज़ों पर। इधर अब बारात में जाने के लिए सतर्कता बरती जाएगी। मात्र पहले 100 लोग जाते थे बारात में, अब उससे भी कम कर दिया गया है। बारात में मात्र 50 लोग ही बाराती जा पाएंगे। वह भी शादी का जो कार्यक्रम है 10 बजे रात तक संपन्न करना होगा। और दूसरी बड़ी खबर कि श्राद्ध क्रम में मात्र 20 लोग ही श्राद्ध क्रम में शामिल हो सकते हैं। और बिहार सरकार ने एक और बड़ी फैसला लिया है कि जो व्यक्ति कोरोना से मर जाएंगे, कोरोना से जिनकी मौत हो जाएगी, तो राज्य सरकार राज्य खर्च पर, प्रदेश के खर्च पर, सरकारी खर्च पर उनका दाह संस्कार करेगा, श्राद्ध कर्म करेगा। तो यह बड़ी खबरें थी कि आज सुन लीजिए एकदम ध्यान से कि आज शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुले रहेगी और 6 बजे से
6 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। यह नियम 15 मई तक फिलहाल लागू रहेंगे। बिहार में शाम 6 बजे से 12 घंटे का कर्फ्यू है। इधर देखिए, कोरोना से मृत लोगों का अब सरकारी खर्च पर दाह संस्कार होगा। शादी समारोह में 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। स्वास्थ्य और डॉक्टर की सुरक्षा की होगी व्यवस्था। सरकारी और निजी दफ्तर 4 बजे तक खुले रहेंगे। कर्फ्यू या अन्य पाबंदियां कुछ सेवाओं पर लागू नहीं रहेगी, जिसमें देखिए सुन लीजिए, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कर्फ्यू या अन्य पाबंदियां कुछ सेवाओं पर लागू नहीं रहेगी। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में 50% बैठने की क्षमता के साथ गाड़ियों की आवाजाही जारी रहेगी। रेल व हवाई यात्री कभी भी आ जा सकते हैं। इसी तरह उद्योग, निर्माण सामग्री, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवाएं, ठेला पर फल व सब्जी बेचने, कृषि व इससे जुड़े काम पर यह पाबंदी नहीं लागू होगी। रेस्टोरेंट से रात 9 बजे तक खाने की होम डिलीवरी हो सकेगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जा सकेंगे। अंतिम संस्कार जो करना होगा उसमें मात्र 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। विवाह कार्यक्रम में 50 लोग शामिल हो सकते हैं और रात 10 बजे तक ही विवाह कार्यक्रम संपन्न करना होगा। कोवैक्सीन 617 रूपों से लड़ सकेगा। कोवैक्सीन 617 रूपों में लड़ सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने टीके के दाम घटा दिए हैं। पटना में झोपड़ी में आग लगने से जिंदा जल गए 4 मासूम। सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है, मर्माहत है और तुरंत मुआवजा देने का निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इधर देखिए, रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना बिहार में, जहां 12,000 से पार कई दिनों से यह रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन बीते दिन कल की जो संक्रमितों की संख्या है वह रिकॉर्ड तोड़ है, यानी 13,374 लोग कल संक्रमित पाए गए। राज्य में रिकॉर्ड 13,374 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान बुधवार को की गई है। इसके 24 घंटे पूर्व यानी मंगलवार को 12,604 नए मरीज मिले थे। इस प्रकार 24 घंटे के अंतराल में 770 नए संक्रमितों की वृद्धि हुई है। राज्य में एक दिन पूर्व की तुलना में संक्रमितों की संख्या 5.75% की वृद्धि की गई है। मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमितों की दर 12.56%, स्वस्थ होने की दर 77.43% रही है। तो देखिए, रिकवरी रेट लगातार गिरते जा रहा है, कम होते जा रहा है। चिंता की बात सबसे ज़्यादा यही है, संक्रमित हो रहे हैं, रिकवरी रेट कम है, लेकिन अब रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है। राज्य के कई जिलों में लगे भूकंप के झटके, असम के तेजपुर से 45 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 बताई जा रही है। तो यह भूकंप की 1 मई से 18 से ऊपर युवाओं के टीकाकरण पर ग्रहण, नई दिल्ली से यह खबर है। और इधर याददाश्त खराब ना कर दे फोटो खींचने की लत, यानी कि ऑक्सीजन के संकट से उबरने की बनेगी नीति। नीतीश कुमार ने हाई लेवल के फैसले मीटिंग के बाद में यह फैसला लिया कि ऑक्सीजन के संकट से निपटने के लिए नीति बनाई जाएगी। महामारी को देखते हुए राज्य सरकार कर रही है सभी तैयारी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक है कैपिटल सब्सिडी हो पर रहा है विचार। बिहार में नहीं सिलेंडर कंसेंट्रेटर बाई पैंप के उत्पादन का इकाई 30% से 35% निवेशकों को दी जा सकती है कैपिटल सब्सिडी। इधर देखिए, वेबसाइट से अस्पतालों में बेड की जानकारी ले सकेंगे। यह बिहार के लिए एक बड़ी खबर है कि अब वेबसाइट के माध्यम से किस अस्पताल में कितना बेड फुल है, कितना बेड खाली है, यह जानकारी मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल तो यह बहुत दुखद बात है कि सभी अस्पतालों में बेड फुल होने का पोस्टर लगा दिया जा रहा है। देखिए, हम लोगों को भी कमी है, हर चीज़ में हम लोग मदद के हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अस्पताल निर्माण में, विद्यालय निर्माण में हम लोग हाथ नहीं बढ़ा पाते हैं। बिहार में अस्पतालों की स्थिति बस से बदतर बताई जा रही है। मौत के बाद नहीं मिल रही है सहायता राशि। डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 10 से 13 मई तक। देखिए, इसको ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, अखबारों में इसको प्रमुखता से सभी अखबारों में प्रकाशित किया गया है। इस समय जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफों की कमी जो है उसको पूरा करने के लिए सरकार ने लिया कि शीघ्रता से इनकी बहाली कर दी जाए। जेल में डॉक्टरों के संविधान आधारित नियुक्ति के अगले माह वॉक इन इंस्टीट्यूट के लिए किया जाए। हाजीपुर स्थित बिहार सुधारात्मक प्रशासन में 10 मई से 13 मई तक साक्षात्कार होगा। और ऐसे भी बिहार के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली को लेकर तत्पर दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में 9वीं में दाखिले को लिखित परीक्षा नहीं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में 9वीं की दाखिले लिए जा रहे हैं तो पहले परीक्षा ली जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर दाखिले को लेकर परीक्षा लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। आम लोगों को कोरोना संक्रमितों की संख्या बताई जाएगी।
सरकारी खर्च पर होगा अंतिम संस्कार। राज्य में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही अब खुली रहेंगी दुकानें। डॉक्टरों की सुरक्षा की होगी व्यवस्था। आज से रहेगी क्या पाबंदियाँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिए। विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 25% खुले रहेंगे। 2 सप्ताह में पटना में 11 बैंकरों की कोरोना से मौत हो गई है। मजदूरी मद में 569.70 करोड़ जारी कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों का भी हो 50 लाख रुपये का बीमा। इधर कोरोना संक्रमितों को मदद को खड़े हुए बिहार के पॉलिटेक्निक विद्यार्थी हैं, वो कोरोना से बचाव को लेकर सामने खड़े हुए हैं। अब इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर वेतन जारी कर दिया गया है, शीघ्र उनके खाते में वेतन चला जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कुछ दिन पहले दो दिन पहले बयान दिया था कि शिक्षकों को ईद में वेतन मिलेगा। उन्होंने कहा था कि होली में तो वेतन नहीं मिल पाया, लेकिन ईद में वेतन जरूर, इससे पहले वेतन जरूर मिल पाएगा। वो अपने वादे पर बरकरार रहें। और आवंटन भी शिक्षकों को जारी कर दिया गया है। अब शीघ्र ही 2-4 दिनों के अंदर में अगर जिला सक्रिय रहा तो 1 सप्ताह के अंदर में ही शिक्षकों के खाते में पैसे चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी बता दें कि फिलहाल पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। 15 मई के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जब तक कोरोना का असर कम नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की कोई काम नहीं होगी चुनाव को लेकर। और तमाम चीज़ों को देखते रहिए हमारे साथ जानने के लिए। मगध संवाद को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर तरह की खबर आपको यहाँ पर शिक्षा के या कोई अन्य जो आपकी खबर जानने के लिए ज़रूरी है हम आपको बताते रहेंगे। तो बिहार के नियोजित शिक्षक जो है, जो लगातार वेतन को लेकर मांग कर रहे थे, जो 3 महीने से वेतन बंद था, रुका हुआ था, तो सरकार ये बात को समझी और उनका आवंटन भी बीते दिन जारी कर दिया गया। तो हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।